हरियाणा सरकार ने छात्रों को जल्दी जगाने के लिए मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च जैसे धार्मिक स्थलों की मदद लेने का फैसला किया है, ताकि छात्र सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर सकें। इसके लिए बकायदा हरियाणा के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी इस फैसले के पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी अधिकारियों ने इस प्रकार की एक योजना बनाई है कि हम समाज का सहयोग लेके, मान लीजिए गुरुद्वारे में तो सुबह से वैसे भी होता है, मंदिर में वैसे भी होता है, मस्जिद में वैसे भी अजान होती है, अगर उसी टाइम वो अजान करने के साथ ही उसके बाद ये भी कह दें बच्चों को पढ़ने के लिए, कह दें गुरुद्वारे में जो अखंड पाठ का जिस प्रकार से गान होता है उसके साथ साथ अगर वो ये भी कह दें कि बच्चे उठ दो, अगर हम आरती चलाते हैं और आरती के टाइम में हम एक बात और भी कह दें तो इससे दिक्कत क्या है। एक तो समाज को भी महसूस होगा कि मेरी भी जिम्मेदारी है और ये बच्चे जो हैं सब मेरे भी हैं, मतलब सब महसूस करेंगे। मैं नहीं समझता इसमें कुछ भी गलत है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बच्चे उठ ही जाएंगे, 100% बच्चे पढ़ने ही लग जाएंगे, लेकिन कुछ में अगर आता है परिवर्तन अच्छा है, क्या दिक्कत है। शिक्षा विभाग ठीक है, सारा कुछ ठीक तरीके से काम कर रहा और उसके रिजल्ट भी ठीक है, और पिछले कोरोना काल में भी हमारी परफॉर्मेंस थी जो अच्छी है, वो उस मतलब जो पूरा देश है वो इसको स्वीकार करता है। वहीं कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुग्गल ने शिक्षा विभाग की इस पहल पर न सिर्फ प्रतिक्रिया दी बल्कि उन्होंने राज्य की चरमराती शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाए। शिक्षा को सुधारना है, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जो 48,000 वैकेंसीज थी, इन्होंने खुद स्टेटमेंट है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की 36,000 वैकेंसी रह गई, फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि 15,000 रह गई। आप शिक्षकों के साथ और शिष्यों के साथ मजाक कर रहे हैं। आप जो है रोजगार कौशल निगम के तहत कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर रहे हैं, क्यों आप युवाओं को रोजगार रेगुलर नहीं दे रही? लाखों बच्चा सीटेट एसटेट पास करके इस समय घूम रहा है। आप बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दें। आप मॉडल संस्कृति स्कूल का केवल एग्जिस्टिंग स्कूलों का नामकरण बदल रहे हैं। एक भी इंग्लिश मीडियम की रेगुलर भर्ती नहीं हुई है। आरोही एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में जो हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में स्कूल खुले थे, उनमें टीचर्स की भर्ती नहीं है। बहरहाल इस पर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन क्या इससे छात्रों का कुछ फायदा होगा, ये देखने वाली बात है।